संभल में कंज्यूमर कोर्ट में पीड़ित के मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता देवेंद्र कुमार ने बताया कि संभल जनपद में चंदोसी थाना इलाके के मोलागढ़ गांव में रहने वाले ग्रामीण राजाराम ने वर्ष 2016 में अपने घुटने के दर्द की शिकायत के चलते चंदोसी में सृष्टि नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजीव गुप्ता से अपना इलाज कराया था। राजाराम का आरोप था कि डॉक्टर ने उसके घुटने के इलाज के जो इंजेक्शन लगाए थे उसकी वजह से उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था, जिसकी वजह से उसे लंबे समय तक अपना इलाज मुरादाबाद में कराना पड़ा। डॉक्टर राजीव गुप्ता की लापरवाही से उसे घुटने के इलाज के लिए लगभग 6 लाख से अधिक रुपए खर्च करने पड़े, साथ ही मानसिक परेशानी से भी गुजरना पड़ा। राजाराम के इस मामले में 20 मई 2017 को न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दायर किया गया, जिसकी 5 साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष राम अचल यादव ने आरोपी डॉक्टर राजीव गुप्ता को इलाज में लापरवाही का दोषी मानते हुए पीड़ित राजाराम को 3,44,517 रुपए का मुआवजा, मानसिक परेशानी से गुजरने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि समेत 4,44,517 रुपए देने का फैसला सुनाया है। जबकि पीड़ित के इलाज में लापरवाही के दोषी बताए जा रहे डॉक्टर राजीव गुप्ता ने इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनका पक्ष ही नहीं सुना गया, न ही सुनवाई के दौरान किसी मेडिकल एक्सपर्ट की राय ही ली गई। डॉक्टर राजीव गुप्ता ने फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील किए जाने की बात कही है। वैसे मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक चिकित्सक होने के नाते भारतीय संविधान का पूरी तरीके से विश्वास रखता हूँ और अपनी भारतीय न्याय व्यवस्था है उसमें पूरी तरीके से मैं विश्वास रखता हूँ। पर मुझे थोड़ा सा ये शिकायत रही कि ये जो कंज्यूमर फोरम में जो उनका पैनल बना था उस पैनल में एक भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं था सदस्य में, और बिना मेडिकल एक्सपर्ट होते हुए आप किसी को कैसे मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए दोषी ठहरा सकते हैं? एक भी डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई व्यक्ति नहीं उसमें, और आप मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगा के डॉक्टर को कन्विक्ट कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा मुझे शिकायत रही। दूसरी सर शिकायत ये रही कि मुझे एक बार भी स्पष्टीकरण के लिए, ये केस करीब करीब 6 साल चला और 6 साल में मुझे एक बार भी स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं बुलाया गया, और बिना मेरे स्पष्टीकरण के एक तरफा फैसला सुना दिया गया। तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है, और चूंकि निर्णय आ चुका है और मैं भारतीय न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखता हूं, और इसलिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं स्टेट फोरम में जाऊंगा और वहां पर जो है इसके लिए केस फाइल करूंगा और आगे की कार्यवाही एलिगेशन लगाए गए हैं और कितना जुर्माना लगाया गया है? उस पर 4.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और मरीज को बताया गया कि गलत इंजेक्शन लगा दिया, उसके इंजेक्शन लगने से मरीज की कुछ दिक्कतें हो गई और मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पहली बात तो यह है कि मेरा एक मेडिकल कंसल्टेंट्स कंपनी से हम लोगों का जो है टाई अप है जी। तो वो मेरा सारा केस और सारे जुर्माने का वो सब कुछ वही कर उन लोगों को ही करना है जी। लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति की इम्यूनिटी शरीर की अलग अलग होती है जी। एक सड़क है और एक सड़क पर 100 लोग चल रहे हैं, मगर एक्सीडेंट किसी एक का ही होता है, बाकी 99 पूरे पास जाते हैं बढ़िया करके। इसी तरीके से वो इंजेक्शन तो हर मरीज के लगता है, पर किसी किसी मरीज को उस इंजेक्शन से रिएक्शंस हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है। तो एक इस तरीके से केवल इसको एक मेडिकल नेग्लिजेंस मान लेना, डॉक्टर को लापरवाही मान लेना या डॉक्टर को कन्विक्ट करना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यह है कोर्ट जजमेंट में कि जो पैनल बनाया गया आपका ये कहना है उसमें कोई मेडिकल एक्सपर्ट की मदद नहीं ली गई जी। जी तो आपके लिए फिलहाल आपसे अपील की जा रही है जी। ठीक है, देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और यही कारण है कि न्यायालयों में मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। ये मामला जो है वो चंदोसी के मौलागढ़ निवासी राजाराम का है। राजाराम जी के घुटनों में दर्द था और घुटनों के दर्द के इलाज के लिए वह चंदोसी के एक चिकित्सक से मिला। चंदोसी के चिकित्सक ने उसके बाएं पैर में एक इंजेक्शन लगा दिया और जिससे उसकी लीवर, किडनी और हार्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो गया। मामला बढ़ते देख उस चिकित्सक ने पेशेंट को तत्काल मुरादाबाद रेफ़र कर दिया, और मुरादाबाद रेफ़र करने के उपरांत उसकी सर्जरी हुई, और सर्जरी के उपरांत ही वो पेशेंट सही हो पाया, जिस पर पेशेंट ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल कमीशन संभल के समक्ष परिवाद आयोजित किया था, और परिवाद आयोजित करने के उपरांत कंज्यूमर कमीशन ने
जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे उसके संबंध में आदेश दिया कि चिकित्सक 4,54,000 रुपये पेशेंट को अदा करे और 1,00,000 रुपये कंपेंसेशन के रूप में दे। सर अब जैसे वो बात की जा रही है, जैसे आपने क्या है वो अपील भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? नहीं, अपील कर रहे हैं उनका अधिकार है, अपील किया जाना एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है वो हर आदमी को अपना अपना राइट प्राप्त भी करना चाहिए। और जहाँ तक कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश जो अपील में होगा वो भी हम सबके सामने आ जाएगा। क्या सर मेडिकल एसोसिएशन जो बात की जा रही है उसके तहत क्या आपने बात रखी थी क्या? मेडिकल एसोसिएशन नहीं, मेडिकल मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले जो है वो कंज्यूमर कमीशन के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है तो निश्चित रूप से जो है वो कंज्यूमर कमीशन पेशेंट के पक्ष में यानी उपभोक्ता के पक्ष में आदेश पारित करके उस संबंधित पेशेंट को कंपेंसेशन दिला सकता है।